नमस्कार दोस्तों, मैं आनंदवन आज एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहले तो आप मेरे चैनल में अभी जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा ताकि नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आज का सफ़र है नेशनल हाईवे जोधपुर जयपुर कपिल्डा के पास से शुरू करके। वैसे तो पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, काफ़ी हद तक 25 हाईवे में कवर कर चुका हूँ बिलाड़ा तक। पर आज के एपिसोड के अंदर एक छोटे से 3 विलेज का सफ़र रहेगा, तो ये रोड व्यू आप देखते जाइए। शुरुआत करते हैं कपिल्डा से। तो अभी कपिल्डा की रेंज में हैं हम दोस्तों। ये जो हाईवे है अभी नया बन के तैयार हुआ है और अभी भी कई कई जगह पर काम चालू है। वीडियो के बारे में दोस्तों अपनी राय प्रकट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो भी लिखिए, अच्छा नहीं लगे तो भी लिखिएगा। वैसे तो दोस्तों आप समझदार हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, जो आपके पास में पेट एनिमल्स होते हैं, जो दुधारू जानवरों को छोड़ के जितने भी मांसभक्षी जानवर है उनको अपने अपने से दूरी बनाए रखें ताकि उनकी लार के अंदर जो घातक बैक्टीरिया होता है ना, वो मनुष्य के लिए बहुत घातक होता है। जैसे आप कैरेबियन कुत्ता पालते हो, बिल्ली पालते हो, जितने भी मांसभक्षी जानवर है उनकी लार में घातक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया इसलिए होता है क्योंकि उनको कच्चा मांस पचाने में बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको प्रकृति ने पाचन शक्ति के लिए एक विशेष प्रकार का उसकी लार में बैक्टीरिया दिया जाता है, जो मनुष्य के लिए अति बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों अभी ये मेन विलेज आ गया है हाईवे के ऊपर पापंडा, जो कि विलेज तो ज़्यादा बड़ा नहीं है पर हाईवे के ऊपर होने के कारण थोड़ा मशहूर ज़रूर है। हर ड्राइवर के मेमोरी में कपिल्डा ज़रूर आता है, जब उसको पूछते हैं जयपुर हाईवे के बारे में तो वो नाम लेने के मात्र, जैसे जोधपुर से निकलते हैं तो बनाड़ है, डांगियावास है, दासीवाड़ा है, बिनावास है, कपिल्डा है, भावी बिलाड़ा, ब्यावर, जैतारण, ऐसे नाम लिया जाता है। ये मेन हाईवे पर जो विलेज है ये कपिल्डा। हाईवे को थोड़ा ऊंचा कर दिया है जो मेन गांव से ब्रिज बना के, हालांकि गांव की रोजी रोटी तो खत्म हो गई। आस पास के हाईवे की उनकी दुकानों में गांव के अंदर उनकी तरह की खत्म हो गई, हाईवे वाले जितने भी वाहन होते हैं यहाँ पर रुकते नहीं है। ये लेफ्ट साइड जो रोड जा रही है ये पिपाड़ जाती है यहाँ से सीधी नेशनल हाईवे 25 से।
ब्लॉग को ज़्यादा काट साट न करते हुए बनाया हूँ। ये 13 मिनट का वीडियो है जिसमें लगभग 13 किलोमीटर कवर करेंगे। शॉर्ट और इसको क्या अनकट बनाने का एक ही मकसद है ताकि आपका जो रोड व्यू का आनंद है वो मिलता रहे। वन सेवेंटी डिग्री एंगल से लगभग कैमरे को ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लगभग कवर हो जाता है आसपास में भी। अब ये हम हाईवे छोड़ने वाले हैं, ये जो निशान जा रहा है तीर का ये सीधा बाला सती की तरफ जाता है। यहाँ से हाईवे को छोड़ते हैं और यहाँ से शुरू होती है प्रधानमंत्री सड़क, जो कि यहाँ छोटे छोटे विलेज की कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई है। इस रोड पर भी अभी ही डमर पड़ा है, अभी नया डामरीकरण हुआ है, जो कि पिछले साल तो डामरीकरण हो रहा था, इस बार तो लगभग बन के तैयार हो गया है। ये हाईवे के ऊपर विष्णुओं की ढाणियाँ, तो वन्य जीव प्रेमी है विष्णुई समाज वीस और नई यानी 29 धर्म के पालन करने वाले समाज की ये कहानियाँ हैं, जो कि लगभग सभी आत्मनिर्भर होते हैं, खूब मेहनती होते हैं ये लोग। ये पैसा बनाने में पीछे नहीं रहते हैं, बस पैसे बना लेते हैं चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आओ। विष्णु को हम मेहनती होने के कारण ये इनके जो पूर्वजों ने ऐसी जगह ही चयन की है जहाँ पर अच्छी खेती हो। इनके समाज की कहीं भी आपको ढाणियाँ मिलेगी, वो ढाणियाँ लगभग ये जो विलेज है रामनगर वैसे तो ये इस रोड पर दो ढाणियाँ, एक थोड़ा आगे है और ये जो पहले ढाणियाँ ये अभी ये काफ़ी हद तक इस कपड़ों को जो कि मोटा काफ़ी बड़ा विलेज बन गया है रामनगर विलेज। यहाँ लगभग 99% जो आबादी है विष्णु समाज की है, विष्णु बन गए प्राणी। आपने सुना होगा ना सलमान का, जिनको नानी याद आ गई, इन्हीं के समाज के लोगों की वजह से आज वो हमारा घूम रहा है। क्योंकि उसने काकाणी के पास में विष्णु समाज की ढाणियों के आजू बाजू में उसने एक शिकार किया था, शिकार आता काले हिरण का। और ये हिरण को माँ का दर्जा देते हैं, कहते हैं कि इनके जो गुरु है जंगेश्वर, उन्होंने हिरणी का दूध पी के ही बड़े हुए हैं जंगल के अंदर, बहुत बड़े धार्मिक गुरु है जो लगभग सभी लोग उसको मानते हैं, पर उनके धर्म का पालन यही समाज करते हैं। गुरु जंगेश्वर भगवान
इन डाणियों को मट वाली डाणी भी बोलते हैं, ये गेरिये की डाणियां हैं। तो आज का ब्लॉग रहेगा रावर फांटे, रावर और लंबा फांटे तक का। और शायद बाबा अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। आप वीडियो के अंदर अभी तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। आपकी जरा सी मदद से मुझे बहुत बूस्ट मिलेगा। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करते जाइए आगे से आगे अपने दोस्तों के पास में। जितने ज़्यादा व्यू हुए होंगे उतने ज़्यादा ये ब्लॉग मशहूर होगा। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी जरा सी हेल्प लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका खूब खूब आभार। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं। आप कंटिन्यू आप वीडियो देखते जाइए। नमस्कार दोस्तों।